नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी सुबह के 9 बजे हैं, तो आज मैं सुबह से ही काम पे लग गई हूँ। आज मुझे बहुत काम करना है पौधों का। काफ़ी दिन से मैंने गार्डन की सफाई नहीं की है, तो आज पूरे अच्छे से सफाई करनी है, थोड़ा सा चेंज करना है। कभी कभी एक ही तरह की चीज़ देखते देखते मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आज मैं थोड़ा सा गार्डन को बदलूँगी और सफाई करूँगी पूरे अच्छे से। मुझे थोड़ा अच्छा सा भी नहीं लग रहा है, तो आज पूरा दिन पौधों के साथ रहूँगी तो अच्छा भी लगेगा। तो अभी देखिए मेरा इंडोर गार्डन ऐसा दिख रहा है, जो आज मैं सफाई करने के बाद थोड़ा सा चेंज करूँगी और बालकनी की भी अच्छे से सफाई करूँगी। जब हम गार्डन बनाते हैं, पौधे लगाते हैं अंदर या बाहर कहीं भी, तो सफाई बहुत ज़रूरी होती है। महीने में एक बार तो अच्छे से सारा सब कुछ गमले हटा के सफाई करनी ही चाहिए, तभी अच्छा लगता है और थोड़ा सा चेंज भी कर देना चाहिए। तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए बहुत टाइम लगेगा आज। धीरे धीरे पहले तो सारे सामान उठाने हैं, जो भी छोटे छोटे डेकोरेशन के इतने सारे आइटम्स रखे रहते हैं मेरे, तो ये सब इकट्ठे करने हैं। सारे गमलों को हटाना है, घास को पूरा हटाना है। घास गंदी हो जाती है, अगर ऊपर से तो हम डेली साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक इसको पूरा हटा के हम साफ़ ना करें, एक दो महीने में तो ज़रूर करनी चाहिए, तभी अच्छे से साफ़ होती है। तो धीरे धीरे करके देखिए, मैंने काफ़ी सारे गमले हटा लिए हैं, अभी कुछ बाकी हैं। दोस्तों कुछ दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो पौधे भी तुरंत ही ख़राब होने लगते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान ना दो तो। कुछ पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं, वो सब हटानी है, सफाई करनी है पौधों की भी, इनको भी देखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा ध्यान हटाओ तो ये भी ख़राब होने लगते हैं। देखिए कितनी नीचे मिट्टी निकली है उस घास से, घास मैंने पूरी हटा दी है और डेली सफाई करते हैं, फिर भी देखिए कितना गंदा हो रहा है। अभी घास भी अच्छे से क्लीन करके एक तरफ रख दी हैं, और जो खाली जगह है उसको अभी मैं बिल्कुल सफाई करके अच्छे से और सूखने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर। तब तक मैं जितने भी पौधे हैं इन सब की जो ख़राब पत्तियाँ हैं या फिर सबको चेक कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पर इस कोने में मैंने घास लगा दी है, अभी सूख गया है, और ये बड़ा स्टैंड मैंने यहाँ रख दिया है। मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ पर रखूँगी, और सारे स्टैंड भी मैं साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ। जितने भी आइटम्स हैं, स्टैंड हो या फिर कुछ भी डेकोरेशन के आइटम्स हो या फिर सेरेमिक पॉट, उन सभी को भी मैं साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ, ताकि वो भी साफ़ हो जाएं। एक स्टैंड जो ये मेरा पुराना वाला है, इसको मैं बालकनी में इस बार रख रही हूँ, क्योंकि बालकनी भी थोड़ी चेंज हो जाएगी और थोड़ा सा अलग लगने लगेगी। अच्छा लगता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अभी वो स्टैंड बाहर लगा दिया, इधर वाला देखिए लग गया है, पौधे भी इस पर रख दिए हैं, और जो दूसरा घास का पीस है वो मैंने दूसरी साइड में लंबा बिछाया है इस बार। बीच में मैं थोड़ी जगह छोड़ रही हूँ चलने के लिए, बाहर जाने के लिए बालकनी में। अभी थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, अच्छा लगता है, थोड़ा सा नया सा लगेगा। बाद में अगर मन हुआ तो फिर से मैं पहले की तरह कर दूँगी दोबारा जब सफाई करूँगी। तो अभी इस तरह से मैं बिछाना चाह रही हूँ इस घास को, और अब मैं प्लांट्स लगाना शुरू करती हूँ, स्टैंड वगैरह जो भी रखने हैं मुझे। तो काफ़ी टाइम हो गया है अभी, धीरे धीरे सभी आइटम्स को साफ़ कर करके, सभी को एक एक करके मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो लगभग हो गया है काम, और पूरे घर में मिट्टी हो गई थी, पूरा घर साफ़ कर दिया है अच्छे से। बालकनी भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है, और बहुत सारे प्लांट मेरे उस स्टैंड पर आ गए हैं, जो मैंने स्टैंड अभी बालकनी में लगाया है। और ये दो कोने मैंने अच्छे से गार्डन के बना दिए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आप बताइए कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे प्लांट्स इस पर आ गए हैं, और थोड़ा हवा और धूप भी थोड़ी बहुत आ जाएगी इधर, तो बीच में काफ़ी जगह खाली हो गई है बालकनी में, क्योंकि इसी कोने में ज़्यादा प्लांट्स आ गए हैं। बारिश अभी भी हो रही है, और अब लगभग 2:15 बज रहे हैं। 9 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, और अभी लगभग 2:30 बजने वाला है। तो काफ़ी टाइम लग गया आज मुझे, पूरा क्लीन हो गया, लेकिन गार्डन अब अच्छा लगेगा, और आज मुझे अच्छा भी लग रहा है काम करने के बाद। पौधे सारे स्ट्रेस को भगा देते हैं, जब पौधों का काम करती हूँ तो सब अच्छा लगने लगता है। तो देखिए इस स्टैंड पर बहुत सारे प्लांट आ गए हैं, बड़े वाले पर कुछ मैंने लालटेन वगैरह भी रख दी हैं। अभी कुछ स्टोन वगैरह रह गए हैं, ये भी मैं लगा देती हूँ, तो उसके बाद आपको पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ कि अब कैसा लग रहा है गार्डन। देखिए दोस्तों, अभी शाम के 5 बज गए हैं, काम करते करते पूरा दिन निकल गया,
बहुत ही सुंदर लग रहा है। सभी चीज़ें मैंने लगा दी हैं, अभी थोड़ी सी लाइट्स रह गई हैं बस, जो फेरी लाइट्स मैंने लगा रखी थी वो मैं बाद में लगाऊंगी। पूरे गार्डन की अच्छे से सफाई हो गई है, और सफाई तो हुई है, थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। तो अभी बालकनी भी काफ़ी थोड़ा सा बदल गई है, और अंदर का गार्डन भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। दोस्तों, गार्डन की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम छोटी जगह में गार्डनिंग करते हैं, इंडोर गार्डनिंग करते हैं या फिर छोटी सी बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बिल्कुल रात होने वाली है और बारिश अभी भी लगातार हो रही है, बहुत बारिश हुई आज पूरे दिन, और मेरा अच्छा आज गार्डन क्लीन हो गया। तो ये आज मैंने जो काम किया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सियाराम, हैप्पी गार्डनिंग।